हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट। नाउ साइनिंग इन अर्चना शर्मा। हमारा कोर्स 6 चल रहा था, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। हम जेंडर के टॉपिक पे बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे थे और उसी में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है मीजर्स टू एंड द जेंडर बियास। इससे पहले वाले वीडियो में आपने जेंडर बियास और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने अच्छे से समझ लिया था कि क्या है और उसके रीजंस क्या हैं, और उन रीजंस को मतलब सोसाइटी में रखा गया है तो वो सोसाइटी में रीजंस ही बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है जेंडर बियास के लिए। तो अब जब रीज़न आपको पता चल गया है तो उसको दूर करने के लिए कुछ आपको सोल्यूशन देना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे वही टॉपिक है मेजर्स टू एंड द जेंडर बियास, यानी कि लिंगीय विभेदों को समाप्त करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे लिखने की बजाय एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना रखा है, आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकती हैं। वन बाई वन मैं डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मीजर्स टू एंड द जेंडर बियास, यानी कि लिंगीय विभेदों को समाप्ति के क्या उपाय हैं। मीजर्स टू एंड जेंडर बियास या डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए, मास एजुकेशन। आपको पता है कि हमारे भारत में जो है शिक्षा है और साक्षरता की वृद्धि तो बहुत स्पीड में हो गई है, परंतु सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के कारण, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण अभी भी इसकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब टेंशन वाली हैं कि लड़कियों को बैकवर्ड एरियो में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके आसपास विद्यालय नहीं है, उनके आसपास स्कूल नहीं है। इवन हमारी गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी एजुकेशन को सार्वभौमिकरण कर रखा है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट द यूनिवर्स लेवल, तो ये चीज़ भी पूरी नहीं हो पा रही है कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन की जो 8 साल की उनकी प्राथमिक शिक्षा है ना, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो चीज़ को भी कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और रूरल एरिया में, रूरल बैकग्राउंड में ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, देखिए, सबसे पहले दे रखा है मास एजुकेशन, यानी कि जन शिक्षा का प्रसार। मास एजुकेशन का मतलब जन शिक्षा का प्रसार, यानी कि स्त्री पुरुष में जब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं हो पाएंगी, है ना। आपको पता है ना कैसे मास एजुकेशन को हम कर सकते हैं। मास एजुकेशन का मतलब है कि जो शिक्षा हो वो जन जन तक पहुंचे, यानी कि पर्टिकुलर सोसाइटी का एक भी बंदा शिक्षा से वंचित ना रहे, सब तक शिक्षा पहुंचे। तो जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम शिक्षा सभी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो देखा जाएगा, है ना। तो इसके लिए कोशिश क्या करनी है भारत को, कि एक पर्टिकुलर हमारे अपनी सोसाइटी को शिक्षित करना है जिसमें लड़के और लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन छोड़कर आपके अंदर जो प्री जुडाइसिस है, यानी कि पूर्वाग्रह की जो भावना है उसको छोड़िए, है ना। ये जो लड़का और लड़की हैं, मेल और फीमेल जो हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई कृतियाँ हैं, इनका सम्मान करिए। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी चलाने नहीं आती थी, लेकिन आज की डेट में वो सारे काम को कर सकती हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि काम कौन कर रहा है, ठीक है ना, काम होना चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है कि ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। उस काम को प्रॉपर वे में कोई भी कर सकता है, स्त्री भी पुरुष भी, दोनों अपने अपने लेवल पे सक्षम है, ठीक है। और इनमें से किसी एक को भी अगर हम डिनाई करेंगे, है ना, तो वो उससे सोसाइटी हमारी बहुत अच्छे से चल नहीं पाएगी। और दूसरी चीज़, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाएगा कि जो जन शिक्षा है वो सभी तक होना चाहिए, और अगर हम सभी को शिक्षित कर देंगे, हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो मास एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा और जेंडर बियास को हम खत्म करेंगे, यानी कि सोसाइटी के मेल और फीमेल लड़कियों को, फीमेल और मेल दोनों को आप एजुकेशन दीजिए, ठीक है, ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस, जागरूकता लाना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जागरूकता के कारण भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ों, गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर जागरूकता की कमी है तो इस सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेडिशन है, बहुत सारी परंपराएं हैं, और इवन देखा जाएगा जो मेल फीमेल हैं बहुत सी चीज़ों के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, आपको पता है और आप जानते हैं। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सारी अवेयरनेस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए, आप टीवी देख सकते हैं ना, टीवी देख के भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे टीवी हो गया, सिनेमा वगैरह हो गया, इससे भी क्या आपको नॉलेज मिलती है, टीवी, सिनेमा, न्यूज़पेपर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे, यानी कि इन सब के माध्यम से आपको न्यूज़ मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेटाज मिलेंगे जिनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हो सकता है, मैगजीन्स हो सकती हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, तो हमें लड़का और लड़कियों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है। लड़के और लड़कियों का जो रेशियो कम हो रहा है लड़कों के कंपैरिजन में, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है,
तो सबसे बड़ा अवेयरनेस तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो जेंडर सेक्स रेशियो है, तो आप लड़की कंपैरिजन में इतनी लड़कियां हैं, मान लीजिए कहीं का रेशियो 1,000 है और लड़कियां केवल 972 है, तो कैसे उनकी शादी होगी, और उनके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके से लड़कियों के ना होने से आपको पता कैसे चलेगा सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी क्या है, फैमिली इनकम्प्लीट हो जाएगी, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, मतलब फीमेल उसमें हो जाएंगी, वेश्यावृत्ति वगैरह पनप जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे और अवेयर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मास एजुकेशन अवेयरनेस क्लियर हुआ होगा। नाउ वी कम टू द लॉ टू स्टॉप फेटिसाइज, यानी कि जो ये है हमारा, इसके लिए कुछ लॉ बना देना चाहिए, लॉ टू स्टॉप फेटिसाइड, यानी कि जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो कानून, इसके लिए क्या करना चाहिए, कानून को कठोर प्रावधान बनाना चाहिए। और उन कठोर प्रावधान को बनाने के बाद अगर सोसाइटी उनका पालन करती है तो इन सब चीज़ों को अवैध या इनवैलिड घोषित कर देना चाहिए। और जो लोग ऐसा काम करते हुए पाए जाते हैं उनके लिए प्रॉपर जुर्माना लगाइए और उनके लिए अच्छी सी पनिशमेंट दीजिए, ताकि वो भविष्य में इस काम को करने से पहले 1,000 बार सोचें। बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, और पकड़े जाने पे उनके लिए कार्यवाही भी की जानी चाहिए, ताकि कम से कम ये लोग अपने पर्सनल क्लिनिक पे या घर पे ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या है ना, गर्भ में मारने को बच्चा को कर देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म होगी। ये स्थिति छोटे कस्बों में और शहर की अपेक्षा ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा, गाँव में तो फिर भी कम है, लेकिन शहर में तो लोग अगर एक बेटी हो गई तो दूसरी बेटी उन्हें नहीं चाहिए, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं लोगों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी बैन लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑफ गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन मतलब बालिका शिक्षा का प्रसार करना, है ना, बालिका शिक्षा का जो प्रसार है ये उसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कीजिए, जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। अगर आप डेटाज वगैरह देखेंगे तो बालिकाओं का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, लेकिन आज के कंपैरिजन में पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है, ठीक है। और इससे यही दिखता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, यानी एजुकेशन प्लेज एंड मेजर इंपॉर्टेंट रोल टू लिटरेट अवर गर्ल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो किसी पे बोझ नहीं होंगी, ठीक है, वो अपने आप को खुद भी खा पी सकती हैं और अपने फैमिली वालों को भी खिला पिला सकती हैं। अगर वो लिटरेट हैं और प्रॉपर वे में अच्छी जॉब भी मिल गई उनको, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उठा सकती हैं। इससे भी क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा में बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार किया जाए, ठीक है। तो शिक्षा में एजुकेशन प्रणाली को सुधार करने के लिए बहुत सारी, आपको पता है, कमेटियों ने बहुत सारा काम किया है, उनकी नीड के हिसाब से कोरिकुलम बनाया है, बालिकाओं के लिए सेपरेट स्कूल खोल दिए हैं, ठीक है, और बालिका विद्यालय को भी प्रमोट मिला है, बहुत सारी वोकेशनल एक्टिविटी कराई जाती है, इनोवेशन टीचिंग हो गई है आज के डेट में देखा जाए तो, और लड़कियों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सब्जेक्ट भी दिए जा रहे हैं, फिर महिला टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी की जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो सुपरविजन हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। और स्कूल में मतलब सेक्सुअल बेसिस पे या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस को हटा दिया गया है, एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। और वेस्टेज और स्टैग्नेशन भी थोड़ा सा कम हुआ है स्कूल सिस्टम अच्छा होने से, ठीक है। और गवर्नमेंट लेवल पे भी देखा जाए तो लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और जो जैसे बहुत ही रूरल एरिया में है तो वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी दी जा रही है वॉलंटियर्स के माध्यम से, फिर बालिका शिक्षा को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, उनकी उनके एडमिशन के टाइम पे कुछ बहुत सारे रिलैक्सेशन भी दिए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स भी हैं। तो ये सारी भी एफर्ट हैं जो क्या कर सकते हैं, बालिका शिक्षा के थ्रू अगर एजुकेशन में एफर्ट हो गया, अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे सेपरेट वोकेशनल स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए पृथक व्यावसायिक विद्यालय खोलना। व्यावसायिक विद्यालय का मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलना जिसके माध्यम से वो चीज़ों को सीख कर इंडिपेंडेंट बन सके, है ना। तो जैसे अभी तक तो पता है आपको कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं वो लड़कों के लिए खुले होते हैं, चाहे उसमें MBA हो, MCA हो, CCA हो, BBA है, व्हाटएवर, मैनी काइंड्स ऑफ कोर्सेज आर देयर फॉर द बॉयज ओनली, नॉट गर्ल्स, ठीक है। तो अभी के टाइम में अगर हम बात की जाए तो टेक्निकल कोर्सेज में गर्ल्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं और इनके लिए पर्टिकुलर सेपरेट कोचिंग खुल भी गए हैं। वोकेशनल में आपका टीचिंग भी आ जाएगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट की भी बात की जाती है तो पर्टिकुलर टीचिंग इंस्टीट्यूट बालिका के लिए खोला गया है, है ना। और इनमें क्या होता है कि उनको प्रॉपर वे में किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो क्या हो, अनएम्प्लॉयड ना रहें, पढ़ने के बाद उनकी कंडीशन अच्छी हो जाए,
इससे भी क्या होगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव कम होगा, ठीक है, और इनका इलिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब वो प्रॉपर पढ़ के चीज़ों को सीख कर ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छी जॉब मिल जाएगी तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगी, है ना। तो इससे भी क्या होगा, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, ठीक। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो अभी भी देखा जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तो थोड़ा सा कंडीशन खराब है कि मान लीजिए अगर 100 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या वहाँ पे 24 समथिंग ही है ना, 1/3 भी 1/4 भी नहीं है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत फर्क करती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्रिवेंट द सोशल इवेंट सोशल इवेल्स, यानी कि समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए, तो उनको शिक्षा के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जो पर्दा प्रथा या सती प्रथा होता है, बाल विवाह होता है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विधवा विवाह है, ये जो बैंड है इसको खत्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री की शादी हो गई है एक बार और विडो हो गई है तो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, उसको भी जीने का हक है, ठीक है। जो जिसके साथ होता है वो उसका नेचर है, वो उसका अपना कल्चर है, कर्म है, जैसे जो भी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप केवल लड़की को ही दोष दें या औरत को ही दोष दें, ये चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या प्रचलित है, इन पे भी बैन लगना चाहिए। जहाँ पे ये काम हो रहे हैं बिल्कुल सील कर देने चाहिए, उनके लिए प्रॉपर लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगर एट सोशल ट्रेडिशन एंड बिलीफ, जो हमारी ये सामाजिक प्रथाएं हैं और जो मतलब परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं जिनको हमें झेलना ही पड़ता है, इस पे भी कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा बैंड लगाना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं हम उन्हें करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान्यताओं और परंपराओं को निभाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, ठीक है ना। धर्म है, ठीक है, हम सामाजिक तौर पर रह रहे हैं और धार्मिक तौर पर हम चीज़ों को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन उन गलत परंपराओं को और गलत धारणाओं को मानने से क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ही देन है, ठीक है, तो उनको भी हर काम में उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वो भी उन्हीं चीज को फॉलो करने के लिए प्रेरित कीजिए जो उनके लिए लाभदायक है, ठीक है। हमारी परंपरा हमें यही सिखाती है कि हमें अच्छी चीजें मिले, और जो गलत धारणा बना दी गई है, गलत मान्यता बना दी गई है, इन लोगों को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एनवायरमेंट, तो जो लड़कियों के लिए, जिससे लड़के हैं उनके लिए तो कहीं भी आने जाने पर रोक टोक नहीं होता, बट लड़कियों के लिए बहुत रोक टोक की जाती है। तो लड़कियों के लिए भी कुछ सेफ्टी एनवायरनमेंट करना चाहिए, स्पेशली इनके लिए जिससे माता पिता हैं तो उनको ये टेंशन होती है कि हमारी लड़की तो इतनी देर तक बाहर है और बाहर सेफ नहीं है। अगर हम बात करते हैं उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पेरेंट्स को हजार बार सोचना पड़ता है, और एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बाहर जाने की वजह से ही कहीं ना कहीं लड़कियों की पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है, ठीक है। और वो पढ़ने में अच्छी होने के बावजूद भी, टॉपर होने के बावजूद भी घर में अपने काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनका कैरियर खत्म हो जाता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप जानते हैं, जो हमारा राजधानी है दिल्ली है, ठीक है, आए दिन रेप के केसेस हो सकते हैं, एसिड अटैक है, कमेंट है, एब्रेशमेंट है, इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो रही हैं, घटनाएं, छेड़खाने की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब देख के भी पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे घर में भैया बेटा ना होता, क्योंकि बेटी ना होती, क्योंकि बेटी होती है तो उनको टेंशन होती है, और माता पिता हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारी बेटी सुबह निकली है तो वो शाम को प्रॉपर घर में आ पाएगी नहीं आ पाएगी, इस चीज़ की भी नहीं। तो इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए, पुलिस थोड़ा सा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा करे, अपना चीज़ों को मतलब हाईलाइट करे, है ना, जगह जगह जो स्टॉपेज हैं, बस स्टॉप हो गया या बस ऑटो स्टॉप हो गया, ऑटो स्टैंड हो गया, CCTV कैमरे की व्यवस्था करे, ठीक है, जो ट्रेन है ये सारी चीज़ें हैं, सुनसान सड़कों पे भी कुछ लोगों को अपॉइंट करे, सादी वर्दी में यानी सिंपल यूनिफॉर्म में अपॉइंट कर दे, ताकि इस तरह की घटनाएं हो तो उनको वो लोग कंट्रोल कर सकें। तो ये चीज़ें भी खत्म की जा सकती हैं ताकि हम अपनी लड़कियों को सेफ्टी एनवायरनमेंट दे सकें, है ना। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो प्रशासनिक तौर पे, है ना, लिंगीय विभेदों को खत्म करने के लिए, जेंडर बायस को खत्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करे, ताकि जो हॉस्पिटल में और क्लिनिक में ये सारी चीज़ें होती हैं कि भ्रूण हत्या कराकर लड़कियों को ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस पर पूरी तरीके से बैंड लगे जाए, पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत कठोर पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ताकि जो भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और जो फैमिली वाले इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार का मतलब है कि आपको पता है कि हमारे संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति भी बहुत सारी बातें की गई हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को डिनाई किया गया है, उनके लिए भी बहुत सारे
आर्ट के लिए बने हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत सारी धाराएं बनी हुई हैं और इवन उपबंध वगैरह भी बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें संविधान में ये सिखाया गया है कि हम स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनके लिए अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए उसमें रिजर्वेशन है, पर्टिकुलर फीमेल हैं तो अगर कोई संस्था में 100 सीट है तो फीमेल के लिए उस सीट में रिजर्वेशन है, ठीक है। और जो पिछड़ी जाति की महिलाएँ हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, लाइक SC ST या वीकर सेक्शन की जो महिलाएँ हैं उनके लिए भी एजुकेशन संस्था में बहुत सारा रिजर्वेशन है जहाँ पे वो अपना पढ़ाई कर सकती हैं बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ें भी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मोटा मोटा आर्टिकल 35 था, चार्टर धारा जो बात की थी 62 था, तो उसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी, ह्यूमन डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई थी। और जो जो वीकर सेक्शन की लड़कियां हैं जैसे SC ST वाली हो गई हैं तो उनको भी पढ़ने के वो अवसर दिए जाएं, ठीक है, उनके लिए भी हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए ताकि वो भी पढ़ सकें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी बना दी थी जिसके माध्यम से वो उसको वो पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये तो था हमारा मीजस टू एंड द जेंडर बायस। इसमें तो आप जितना भी लिखेंगे उतना कम है और आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। और जेंडर बायस को ही कम करने के लिए जैसे हम कस्तूरबा गांधी वगैरह की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ों भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी हैं। नवोदय विद्यालय की बात की है, कन्याधन योजना वगैरह आ गई है ना। और जो लड़कियां फर्स्ट आई थी इंटर में उनके लिए साइकिल मिली थी, उनको याद होगा आपको, है ना, हॉस्टल की व्यवस्था दी गई थी, बहुत सारा 20,000 रुपये का अमाउंट भी दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सारे एफर्ट जो थे गवर्नमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में हैं। और हाँ, इनसे बहुत फ़ायदा भी है कि लड़कियों को भी स्कॉलरशिप भी मिल रही है अच्छी, जो पंचवर्षीय योजनाएँ हमारी बनी थी, है ना। तो पंचवर्षीय योजना ने बहुत सारा काम किया है हमारे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायस को ख़त्म करने के लिए। तो आप और भी बहुत कुछ लिख सकती हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया पढ़ाने में और आई थिंक आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द मीजस टू एंड द जेंडर बायस या मीजस टू एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। लिंग विभेदों को समाप्त करने के लिए हमने यही उपाय दिए और यहाँ पे मैंने 11 उपाय दिए हैं आपको, आप इसमें और भी कंसीडर कर सकती हैं। वैसे ये 10-11 भी बहुत इनफ है और इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखें। और अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख सकती हैं और ये हेडिंग वाइज हैं, आप इन हेडिंग को डिस्कस कर सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट में आया तो आराम से आप फ्लो चार्ट बनाइए और इसको वन बाई वन एक एक करके दो दो लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट फॉर द टूडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं खर्चा होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, अर्निंग करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोगों ने देखा है तो उसको समझने की कोशिश करती हूँ मैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।